ए बच्चों, आओ आओ, आ जाओ, खूब सस्ती चाट खाओ और ध्यान से सुनो। अगर कोई रोबो बॉय का दोस्त है तो उसे फ्री चाट मिलेगी, फ्री चाट। आओ जल्दी आओ। मैं हूँ रोबो बॉय का दोस्त, मेरा नाम झिंटू है, वो मेरा पक्का दोस्त है। तुम रोबो बॉय के दोस्त हो? सच? तुम कितने लकी हो झिंटू। चलो झिंटू बाबा को खूब चाट खिलाओ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं साथों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उन्हें चाट खिलाऊंगा। प्लीज 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 अपने दोस्त को बुला लो। कुछ देर की ही बात है, मैं जादू से वीर के साथ क्लोन्स बना देता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ। ये भी खुश हो जाएगा और मुझे जिंदगी भर मुफ्त में चाट भी खिलाएगा। इसकी चाट कितनी टेस्टी है। दरअसल वो सातों रूप में यहाँ आने ही वाला है, उसने मुझसे यहाँ मिलने को कहा था। देखो वो आता ही होगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर के क्लोन्स अलग अलग सात सूट में एक साथ पेड़ के पीछे से निकल के यहाँ आ जाए। जिंटू बाबा, जिंदगी भर तुम यहाँ फ्री चाट खाओ और मैं इनके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लूँ। मेरे दोस्तों, इनकी सब बात मानो, ये जो कहे वो करो। ओके, जैसा तुम कहो। तुम सब मेरे साथ आओ, हम फोटो सेशन करेंगे। जिंटू बाबा तुम चाट खाओ, हम आते हैं। तुम सब मेरी हर बात मानोगे? हम सब आपकी हर बात मानेंगे। गुड, अब सुनो, ये हमारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा भेस लिया हुआ है और सबको तंग करता है, तुम्हें इसे खत्म करना है। जाओ और फुर्सतगंज में इसे ढूंढ के खत्म कर दो। ये कैसे हो सकता है? मेरे ही सात रूप, वो भी एक साथ। ओह, सात सात रोबो बॉय। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। समझ नहीं आ रहा, वीर के सात रूप एक साथ कैसे आ सकते हैं। अब आप दोनों आ गए तो मैं ठीक हूँ। इमली, मैं वीर को देखता हूँ, तुम टनल पे जाके बाहर नजर रखो,
मैंने तुम्हें दूसरों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन जब तुम्हें चोट लगती है तो मेरा दिल रो पड़ता है। नहीं दादाजी, मैं तो बना ही दूसरों की भलाई के लिए हूँ। यही तो आपका सपना था, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी भर आपका ये सपना पूरा करता रहूँगा। रोबो बॉय कौन है? मैं इसे हटा के मैड मैक्स को कंफ्यूज कर देता हूँ। वीर, हार मान लो वरना मैं तुम्हारी दोस्त को खत्म कर दूंगा। वीर! अब क्या करोगे वीर? तुम्हारी इमली हमारे कब्जे में है। वीर, अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन दबा के खुद को खत्म कर दो, वरना तुम्हारी दोस्त को मैं खत्म कर दूंगा। जल्दी करो, अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन दबाकर खुद को खत्म करो, जल्दी, वरना इमली नहीं बचेगी। जैसा आपका हुक्म बॉस। दादाजी, इमली, वीर मैं हूँ। मैंने मैड मैक्स को उसी के गेम में हरा दिया। वीर!
मैं वीर को कभी नहीं हरा पाता। अब वीर का बचना मुश्किल है। वो इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं, जिन्हें वो सिर्फ कमांड करके निकल लेता है। लेकिन जब आवाज ही नहीं होगी तो कमांड कैसे करेगा? लेकिन बॉस, उसकी आवाज जाएगी कहाँ? ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी। फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। फिर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। क्या हुआ वीर? गले में फंस गया है क्या? वीर का गला जैम हो गया है। अब वो नॉर्मल रोबोट ही रह गया है। अब आएगा मजा। मैग्नेटो, आ जाओ। वो तो मैड मैक्स का रोबोट है। वीर, भागो! किसी भी गैजेट को कमांड नहीं दे सकता। अब क्या करूं? नॉर्मल पावर से ही काम चलाना होगा। थैंक यू वीर। ये केक से नहीं हुआ है, ये मैड मैक्स ने सोच समझ कर किया है। पहले किसी डिवाइस से वीर का गला जाम किया ताकि वीर अपने गैजेट्स को कमांड ना दे सके, और फिर अपने रोबोट को भेज दिया। अब क्या होगा दादाजी? चलो, उसके गले में एक थ्रोट क्लीनिंग डिवाइस डालनी होगी। मोल मत लो, वो तुम पर भी लेजर से अटैक करेगा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। वीर, मैं आ रही हूँ। ये दादाजी ने भेजा है, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। बॉय सूट ऑन।
मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? हे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है जाओ, आज के बाद फिर चोरी मत करना वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन, नाम है वीर। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। वो चिंटू को जिन वर्ल्ड में ढूंढ रही है। चिंटू ये लो जिन कैचर, अगर वो दिखे तो उसे इसमें कैद कर लेना। ओके नाना जी। चिंटू, मेरे प्यारे चिंटू, कैसे हो? तुम्हारी वजह से कई दिनों तक मैं जेल में रही, अब मैं तुम्हारी शक्ति छीन के अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। रुक जाओ। चिंटू अगड़म बगड़म बोलो और गायब हो जाओ जल्दी। अगड़म बगड़म एक एकड़म तिकड़म आलम फलम दिदम दमादम। चिंटू हम इस तरह कब तक भागते रहेंगे? तुम्हारी सारी पावर्स अब मेरी है। चिंटू, नहीं, नहीं, वो पावर्स मेरी है, मुझे वापस करो। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि डोंकी पावर में कितना असर है। वाह चुलबुल वाह, देखा चिंटू ऐसे लड़ते हैं। वीर तुम लोग कहाँ थे? दादाजी वो लेडी जिन आ गई है, वो फिर से भेष बदल के आ सकती है। अगर किसी को किसी पे शक हो तो उसके सामने मत बोलना, हम लोग डंशियाज में बात करेंगे। अगड़म पगड़म, तुम वीर हो ना? भागो। ये तुम हो? सॉरी वीर, मैं धोखा खा गया। लेडी जिन, अब मुकाबला मेरे और तुम्हारे बीच में है। चिंटू की शक्तियाँ चाहिए तो आ जाओ। झाड़ू, मेरी झाड़ू कहाँ है तू? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। नहीं नहीं, मैंने अपनी ही झाड़ू तोड़ दी। नहीं, मैं तो मैं आज मच्छर की तरह मसल दूंगी। तो लो, मैं मच्छर ही बन जाता हूँ।
चिंटू अपनी पावर्स लो और इसे जिन वर्ल्ड में ले जाओ। थैंक यू वीर। चलो जिन मौसी, अब जेल में ही आराम करना। नहीं। बंटी, इन पौधों को बड़ी मुश्किल से लगा के बड़ा किया जाता है और तुम इन्हें तोड़ रहे हो। इनमें भी जान होती है। दोबारा इन्हें कुचला तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगा। वीर, सर ने हमें ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बुलाया है। हम इस ड्रामा में पूरी जी जान लगा देंगे। बच्चों, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, नेक्स्ट नंबर हमारा है। तुम सब कहीं जाके छुप जाओ और तब तक नहीं आना जब तक मिस्टर कक्कड़ मुझे हीरो ना बना दे। कैकी फैकी चले गए। वो कह रहे थे बंटी हीरो होगा तभी वो एक्टिंग करेंगे। अब क्या करें सर? अब तो प्ले रोकना होगा। अरे, शेर को तो दरबार लगाना है, उसके बिना प्ले हो ही नहीं सकता। सर, शेर का सीन बाद में है, वो तब तक आ जाएंगे, है ना जिंटू? ओके ओके, उनको बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पर्दा खोलता हूँ। ऑल द बेस्ट। चिल्लाना मत, जब तक तुम चुप हो तुम बाहर हो। तुम चिल्लाए तो मेरे पेट में होगे। हीरो, हमें बचाओ, इंसान जंगल काट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अरे, आते ही शिकायत शुरू कर दी। बहुत दूर से आए हो, भूखे होगे, चलो कुछ चाट खा लो, फिर बात शुरू करते हैं। ये क्या हुआ सर? ये चाट तो प्ले में नहीं था। तुम सब चिंता मत करो, मैं इंसानों से बात करता हूँ। ये, लेट्स सेलिब्रेट। इसी बात पे चलो, एक एक प्लेट चाट और हो जाए। एनिमल्स, एनिमल्स चाट खा रहे हैं। ये प्ले बनाया है तुमने, चाट खिलवा रहे हो? एनिमल्स भी कभी चाट खाते हैं? देखो सब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जंगल मत काटिए, वरना सब जानवर और उनके परिवार कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब फैसला जंगल का राजा शेर करेगा। हाँ। शेर महाराज, ये इंसान हमारी बात नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से आप हाथियों को आज्ञा दे कि वो इंसानों के घरों को जाके तोड़ फोड़ डाले। मेरे प्यारे हाथी दोस्त, जाओ और शहर में इंसानों के घर तोड़ डालो। नहीं नहीं, हमारे घर तोड़ दोगे तो हम और हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? ये बात तुम भी तो नहीं सोच रहे हो। अगर जंगल काट दोगे तो ये जानवर और इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्षमा चाहते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हम जंगल नहीं काटेंगे। इसी बात पे चाट खाते जाओ। बच्चों, आज सबको एक एक पिगी बैंक दिया जाएगा। ये पैसा उन बच्चों की किताबों और स्कूल फीस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं। ये है पिगी बैंक। तुम्हारा पिगी बैंक तो तुम्हारी तरह चूहा लग रहा है। वीर को चूहा कहा? सॉरी बोलो, अभी इसी समय। नहीं बोलूंगा, क्या कर लोगे? अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये क्या हो रहा है? बंटी, तुम पिगी बैंक को तंग कर रहे हो। जिंदा हो गया, कैसे? मैं तुम जैसे खराब लड़के के साथ नहीं रह सकता। इसे तो रोकना होगा। बहुत काट दिया, अब रुक जाओ, वरना वरना क्या?
कमजोरी का फायदा उठा के उसे ट्रैप करना होगा। वो जादू से बना है, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं उसे खत्म करना भी नहीं चाहता। उसके पेट में तमाम लोगों के रुपए, पैसे और जेवर है, लेकिन उसकी कमजोरी है क्या? पिग की कमजोरी कीचड़ होता है। अगर हम उसे कहीं कीचड़ में ले जाए तो वो वहाँ मस्ती करने लगेगा और हम उसे ट्रैप करके पकड़ सकते हैं। वेरी गुड आइडिया इमली। मैं इसी रोड के एंड में कीचड़ तैयार करता हूँ, तुम उसे उस तरफ लेकर आओ। ये लो। वीर, जल्दी करो, वो मेरे नजदीक आता जा रहा है। मैं और देर साइकिल नहीं चला सकती। वीर, जल्दी करो ना, वो मेरे बहुत नजदीक आ गया है। हम पैसे देते नहीं, लेते हैं। अरे कोई रोबोट है, चोर चोर, वो मेरे रुपए लेते हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। रुक जाओ, उस दुकानदार के पैसे वापस करो। और मैं लाफिंग गैस को लेकर तैयार हूँ। ओके। कैसे हो शेरू बेटा? अच्छा सुनो, जल्दी से दरबार लगाओ। इंसानों ने तुम लोगों के खिलाफ कोई प्लान बनाया है। सब जानवरों को एक साथ बताना जरूरी है। चलो सबको बुलाओ, जल्दी। सबको खबर कर दो, दरबार लग रहा है। अब बताओ बिल्ली मौसी, क्या बताना चाह रही हो? सुनो, एक इंसान आएगा और तुम सबको पकड़ के ले जाएगा। बिल्ली मौसी, कौन पकड़ लेगा? कैसे? हाँ बॉस, काम हो गया बॉस, सब जानवर पकड़े गए बॉस। वीर आएगा और हमारा शिकार हो जाएगा। तुम लोग इस तरह क्यों हंस रहे हो? कभी गधा नहीं देखा क्या? एक आदमी मास्क लगा के आया, कोई गैस स्प्रे कर गया और बिल्ली मौसी सब जानवरों को ट्रक में पकड़ कर ले गई। कोई सब जानवरों को पकड़ के ले गया है,
जल्दी चलो वीर को बताते हैं। इतनी देर हो गई, कोई भी बड़ा या अच्छा जानवर नहीं दिखा है। वीर, सब एनिमल्स को कोई लाफिंग गैस डाल के पकड़ के ले गया है। ये काम किसी बिल्ली और एक आदमी ने किया है। मैड मैक्स, उसी के पास बिल्ली है, उसने लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया होगा। चिंटू, तुम यहाँ मेरा रूप लेकर इमली के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय ऑन। जानवरों को ट्रक में पकड़ के कुछ लोग ले जा रहे हैं। क्या? All robots ready. Robo Boy is coming. को ये खत्म करेगा और सबके सामने करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर्स और सिस्टम है। इसे पहन के हम जैसा चाहें इसे चला सकते हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर में जगह जगह बर्बादी हो रही है। ट्रेगोस नाम का रोबोट हर तरफ तोड़ फोड़ और आगजनी कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जब तक रोबो बॉय उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तब तक शहर में बर्बादी करता रहेगा। रोबो बॉय, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो वरना रोज ये बर्बादी चलती रहेगी। तुम चिंता मत करो वीर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। नहीं जिंटू, ये लड़ाई एक रोबोट से दूसरे रोबोट की है, इसमें कोई जादू नहीं होगा। रोबो बॉय को साबित करना होगा कि वो फुर्सतगंज के लोगों के लिए किसी भी मुसीबत से टक्कर ले सकता है। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डेंजरस, द ग्रेटेस्ट, द टफेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ड्रैगन्स। It will be my pleasure to finish you. Okay, ready? Start the fight! No! अभी मजा चखाता हूँ। Come on.
जग झुको। वीर क्या कर रहे हो तुम? मूव क्यों नहीं करते? दादाजी कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रिएक्ट करूं? जब तक सोचता हूं उसका पंच पड़ जाता है। तुम्हारा रिएक्शन लेट हो रहा है, मेमोरी चिप पे कुछ डैमेज हो गया है। देखो वो आ रहा है, उसका पैर उठ रहा है, साइड स्टेप हो। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो बॉस। आपका रोबोट आपसे इतनी दूर रह के भी आपका कमांड मान रहा है बॉस। दादाजी ड्रैगो को मैड मैक्स कंट्रोल कर रहा है। फिर की मदद के लिए जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बाकी कामों के लिए तो कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बॉस? बचाओ! इमली तुम फाइट करो, मैं वीर की मेमोरी चिप और रिएक्शन मैकेनिज्म रिपेयर करता हूँ। ओके दादाजी। इमली अटैक करो, अटैक। वीर को चार्ज दे रहा हूँ, वो लड़ सकता है। सुनो वीर, तुम ठीक हो गए हो? Yeah.